जिनके पास हाथ का हुनर है वो अपनी तकदीर स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं। बाड़मेर की रूमा जी ने अपनी पहचान अपने हुनर के दम पे बनाई है। नमस्कार, मैं विलासा और मैं हूँ आज बाड़मेर में रूमा जी के पास। रूमा जी महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आप देख सकते हैं ये पेच वर्क का रूमा जी ने अपने द्वारा बनाया। मुझे बहुत ही खूबसूरत ये दुपट्टा भेंट किया है क्योंकि मैं प्लांटेशन करती हूँ, इसलिए जीजी मेरे लिए ग्रीन कलर का लेके आए हैं और की संस्थान आपको विजिट करवाऊंगी। हाथ की कलाकारी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत करी हुई है और यहाँ पर ये कलाकार जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं इस तरीके से बैठकर पेच वर्क करती हैं और ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान रखता है। पहले जो दादी नानी जो किया करती थी उस कला को संजोए हुए हैं और देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सब के लिए। रूमा जी ने कितनी ग्रामीण महिलाओं को तोड़ना और उनको इस तरीके से जो पुरानी कला है इस परंपरा को सहेजने का एक बहुत बड़ा काम किया है। जो महिलाएं पहले जैसे घरों में रहा करती थी आज उनको भी रोजगार मिला है और अपना घर खर्च चला रही है और एक स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है साथ ही एक अलग पहचान के साथ। रूमा जी ने 10 महिलाओं के साथ अपने कार्य की शुरुआत करी थी और आज लगभग 30,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, कसीदाकारी का कार्य कर अपनी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जी रही हैं। गांव ढाणियों से निकली इन महिलाओं ने अपनी पहचान अपने हुनर के दम पर बनाई है जो अमिट है। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ जो भी आप देख रहे हैं आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये पीस तो हमें लेना ही लेना चाहिए और बहुत खूबसूरत एक से बढ़कर एक डिजाइनर पीस भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और खास तौर से बाड़मेर का एक मुडाल प्रिंट जिसको बोलते हैं वो अपने आप में खास पहचान रखता है, बहुत ही खूबसूरत। इसका आप कुछ भी बनवा सकते हैं, गाउन बनवा सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर देखिए साड़ियाँ हैं और ये जैसे बाहर से सिल्क की तरह दिखाई दे रहा है पीछे से बिल्कुल कॉटन का है। महिलाओं को ये जैसे ये डेली वियर में बहुत ही खूबसूरत लगता है, पार्टी में भी बहुत यूनिक लगता है। तो ये बाड़मेर की बहुत ही सुंदर सुंदर आप ये खास ये प्रिंट आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत देख सकते हैं। पेज वर्क में साड़ियाँ भी हैं, कुर्ते भी हैं, बेडशीट भी हैं, बहुत यूनिक यूनिक आइटम है ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर साड़ी है। ब्लैक कलर तो हर किसी को पसंद आता है और साथ ही मैं हमेशा जो मुझे पुरानी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं देख सकते हैं चरखे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये रूमा दीदी की नानी का चरखा है जो बहुत ही प्यार से संजो के रखा हुआ है। मैंने भी मेरी नानी की नानी का चरखा अपने घर में रखा हुआ है। धावला तो सभी ने सुना ही होगा, जो पुराने टाइम में ये धाबला पहना करती थी। बहुत खूबसूरती से रूमा जी ने इसको डिजाइन किया हुआ है। पहले तो धाबले जो घुटनों तक के ही होते थे और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना यूनिक पीस है। अगर आप इसे पहनेंगे तो सबसे अलग दिखेंगे और राजस्थान की जो ये पहचान है ये देख सकते हैं काज, इनमें काज जड़े होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिये कितनी बारीकी से कितना सुंदर काम किया गया है। ये पर्दे जो हैं घर में बिल्कुल यूनिक लुक देते हैं और साथ ही बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर महिलाओं के खुद के द्वारा तैयार किए गए बहुत सुंदर ये पर्स है। कहीं भी हम इसे कैरी करते हैं तो बिल्कुल यूनिक लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर आप आएंगे तो आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा एनजीओ का सेंटर बना हुआ है और यहाँ पे हमने 10 महिलाओं के समूह से शुरुआत की थी, आज 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है जो कसीदाकारी का काम करती है। और अभिलाषा जी ने 6 साल पहले यहाँ पे प्लांट लगाने का प्लान किया था, उस टाइम से हम साथ में हैं और यहाँ के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे भी इतने पौधे होने चाहिए,
और ये खुद पौधे साथ में लेके आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बाड़मेर के लिए भी ये काम कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम करती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। बेटी पढ़ाओ पे भी काम कर रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे सेंटर पे आए और हमारी कला को देखा और हमें भी एक प्लांट गिफ्ट किया। जब मैं बाड़मेर आई थी तो उस वक्त हमने सबसे बाड़मेर में सबसे पहली पर्यावरण रैली जो निकाली थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली थी, उसमें रूमा जीजी भी हमारे साथ थे। और जब भी मैं बाड़मेर आती हूँ, रूमा जीजी के पास यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनत्व का भाव महसूस होता है और फिर मुझे नई नई चीजें देखने का शौक है। कपड़ों का मैं काफी ज्यादा, मुझे भी बहुत शौक है, तो यहाँ से मैं कलेक्शन लेके जाती हूँ। और जब भी मैं रूमा जीजी वहाँ पहनती हूँ तो सब ये कहते हैं कि ये बिल्कुल यूनिक है। तो आपको भी बाड़मेर आना है और बाड़मेर यहाँ रूमा जीजी के यहाँ जरूर आना है और फिर ये सुंदर सुंदर जो चीजें हैं वो आपको यहाँ से लेके जानी है। देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत ये गाउन बना हुआ है, पेच वर्क में है, बिल्कुल यूनिक लगेगा। किसी पार्टी में या घर के अच्छे फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकते हैं और हर कलर में आप ऐसा बनवा सकते हैं। बहुत यूनिक यूनिक यहाँ पर डिजाइन बनती हैं और अगर आपको अपने दिमाग से कुछ बनवाना है तो वो भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। बहुत अच्छे कारीगर यहाँ पर बैठते हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं और यहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते तो आप roomadevi.com से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। देश की महान हस्तियों के साथ हमारी जीजी रूमा देवी पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं और पूरे राजस्थान का मान हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है और हमें जीजी पर गर्व है। जीजी से प्रेरणा लेकर और भी महिलाएं जो हैं बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, चलो ऐसी राह के दुनिया चले आपकी राह, तो जीजी की राह बहुत सारी महिलाएं इनसे प्रेरित होकर चलेंगी।